हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए और न्यू वीडियो। आज की वीडियो फ्रेंड्स अपाचे 164V के ऊपर है, तो आपको मैं दिखाता हूं इसके ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, जो फ्रंट डिस्क है बिल्कुल फेल हो चुके हैं। मैं आपको एक बार व्हील घुमा के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके जो ब्रेक हैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। और फ्रेंड्स, लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे देता रखता हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम मास्टर सिलेंडर ख़राब होने पर आती है, तो आज हम इस वीडियो में मास्टर सिलेंडर को चेंज करेंगे। मास्टर सिलेंडर कितने रुपये का आता है फ्रेंड्स और कैसे चेंज करना है, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको इसका ब्रेक ऑयल निकालना है जो पुराना इसमें भरा पड़ा है। तो मैं जल्दी से इन दोनों स्क्रू को खोल करके इसका ये कवर हटा के इसका पुराना ऑयल निकालता हूँ। कवर निकलने के बाद आपको पुराना वाला ब्रेक ऑयल इसमें से निकालना पड़ेगा। तो ब्रेक ऑयल निकालने के लिए मैं सिरिंज का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी इसको सिरिंज से सक करके निकाल लें, क्योंकि ये अगर मेटल पार्ट या बॉडी पार्ट पे गिरेगा तो पेंट को ख़राब कर देता है। ऑयल निकालने के बाद फ्रेंड्स हमको ब्रेक लीवर खोलना है। लीवर खोलने के लिए आपको 10mm का सॉकेट चाहिए, या फिर आप स्पैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 10mm का स्पैनर या सॉकेट से इस लीवर को निकालना है। लीवर निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको नोज़ प्लायर चाहिए। नोज़ प्लायर की हेल्प से आपको एक लॉक निकालना पड़ेगा। आपको मैं लॉक दिखा देता हूँ, इसके अंदर एक लॉक फंसा रहता है। आपको ये वाला लॉक निकालना पड़ेगा, इसको फंसा करके प्रेस करके आपको बाहर खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपली ये बाहर आ जाएगा और इसको निकाल लेना है। आपको ये वाला नोज़ प्लायर लेके आना पड़ेगा जिसकी टिप लॉन्ग होती है, ये लंबी वाली टिप वाला, छोटा वाला इसमें काम नहीं करता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लॉक निकालने के बाद हमको इसके अंदर से इसकी पिस्टन निकाल लेनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही पिस्टन हमको चेंज करनी है। इसके आगे पीछे रबड़ लगी है, ये रबड़ ख़राब हो जाती है तो प्रेशर लीक होता है, और जब प्रेशर नहीं बनता तो ब्रेक काम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पिस्टन को हमको चेंज करना है। चेंज करने से पहले हम इस मास्टर सिलेंडर को क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, इसको पानी से क्लीन करना, पेट्रोल या फिर किसी भी ऑयल से क्लीन नहीं करना। सिंपली आप पानी से क्लीन कर दें, ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिर आपको मास्टर सिलेंडर किट लेके आनी पड़ेगी नई, ये 360 रुपये की है। और फ्रेंड्स, ये अलग अलग तरह की अलग अलग बाइकों में लगती हैं, तो आप जो पुरानी वाली किट अपनी निकालें उसको ले जाकर ही नई वाली किट लेके आएं, क्योंकि ये 2-3 तरह की हैं। तो फ्रेंड्स, इस किट में आपको सारा सामान मिल जाएगा, सारी रबर्स, लॉक और स्प्रिंग और पिस्टन सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अपने मास्टर सिलेंडर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। उसके बाद इस पिस्टन में फ्रेंड्स हमको ये स्प्रिंग फंसाना है ऐसे करके। और फ्रेंड्स, इस पिस्टन को लगाने से पहले हमें इसकी रबर पे ब्रेक ऑयल लगाना है, जिससे कि ये अच्छे से काम करे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पिस्टन ऐसे लगेगा फ्रेंड्स इसके अंदर। अब मैं इस पर ब्रेक ऑयल लगा लेता हूँ अच्छे से, और फिर इसको इंसर्ट कर देता हूँ इसमें मास्टर सिलेंडर में। तो फ्रेंड्स, पिस्टन लगाने के बाद हमको इसका लॉक लगाना है। तो लॉक फ्रेंड्स उस प्लायर की हेल्प से ही लगेगा, तो मैं जल्दी से लॉक को लगा देता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्लायर से लॉक सेट करने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से लॉक को अंदर ग्रूव्स में बैठा देना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अलग से ग्रुप्स कटे रहते हैं, उसमें लॉक को बिठाना बहुत ज़रूरी है, वरना लॉक निकल जाएगा। तो उसको खांचे में अच्छे से बिठा दें फ्रेंड्स लॉक को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसकी ऊपर की रबड़ कैप लगानी है, जो कि डस्ट से इसको प्रोटेक्ट करती है, डस्ट ना जाए अपने पिस्टन में। तो इस रबड़ को अच्छे से फ्रेंड्स इसमें लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं इस रबड़ को लगा देता हूँ।
पिस्टन फिट होने के बाद फ्रेंड्स हमको लीवर लगा देना है, तो मैं इसका जल्दी से लीवर को लगा देता हूँ। लीवर लगाने के बाद फ्रेंड्स हमको इसमें ऑयल डाल रहे हैं, तो ऑयल हम .3 grade का ही यूज़ करेंगे। आप कोई भी ब्रांड का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट उसका ग्रेड .3 ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें मैं जल्दी से ऑयल डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने ऊपर नया ऑयल डाल दिया है, बट इसके पाइप में अभी एयर और पुराना वाला ऑयल होगा, इसके कैलिपर में भी थोड़ा सा पुराना ऑयल होगा, तो हमको उस सारे पुराने ऑयल को निकालना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को फ्रेंड्स ब्रेक ब्लीडिंग बोलते हैं। तो मैं जल्दी से इसकी ब्लीडिंग कर लेता हूँ। ब्लीडिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको ये वाला ब्लीडर वॉल्व, ब्लीडर नट बोलते हैं, इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलते ही आपको लीवर को प्रेस करना है, जिससे कि सारा ऑयल और एयर निकल जाए, और प्रेस करे रखना है, फिर इस नट को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद फिर आपको लीवर को रिलीज़ करना है। पहले रिलीज़ नहीं करना, पहले इस नट को टाइट करना है, फिर रिलीज़ करना है। तो ऐसे ही दो तीन बार करने के बाद आपकी सारी एयर और पुराना ऑयल निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी से इसकी ब्रेक ब्लीडिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी ब्रेक ब्लीडिंग कर ली है। आप देख सकते हैं इसका लीवर अब अच्छे से काम कर रहा है, और इसका आप लेवल चेक कर सकते हैं। इससे ऊपर आपको फ्रेंड्स इसमें ब्रेक ऑयल नहीं रखना है। और फ्रेंड्स अभी भी थोड़ा इसका जो लीवर है वो स्पॉन्जी है, वो अभी टाइट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें एयर के बबल्स आ रहे हैं, अभी इसकी एयर पूरी तरह नहीं निकली है। तो इस एयर को पूरी तरह निकालने के लिए मैं आपको एक देसी ट्रिक बताऊँगा, जिससे कि आपकी जो एयर है वो अपने आप निकल जाएगी रातों रात। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी ये रबड़ वाली सील और ऊपर वाला कैप लगा देता हूँ जल्दी से। फ्रेंड्स जो मैं आपको देसी ट्रिक बता रहा था वो ये थी, आपको इस लीवर को टाइट कर देना है किसी रस्सी या फिर थ्रेड से, और पूरी रात के लिए छोड़ देना है। इसको अच्छे से टाइट कर दें जितना ये टाइट हो सके। तो फ्रेंड्स पूरी रात ये जब टाइट रहेगा तो इसकी सारी एयर निकल जाएगी, और आपका जो लीवर स्पॉन्जी था और जो लूज़ था वो एकदम टाइट हो जाएगा, और आपके ब्रेक काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।